और अब विश्व युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। बीते 4 सितंबर को रोमानिया में गिरे ड्रोन को लेकर नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि इस बात की जानकारी नहीं है कि हमला रूस ने जानबूझकर किया। इससे पहले रोमानिया के राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर हमले में रूस का हाथ हुआ तो ये उसकी क्षेत्रीय अखंडता पर हमला माना जाएगा। रूस के एटमी हमले की धमकी के बीच नेटो ने यूक्रेन को बड़ी खुशखबरी दी है। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन नेटो की सदस्यता के इतना करीब कभी नहीं रहा जितना अब है। नेटो के इस बड़े संकेत के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन की मांग पर जल्द फैसला हो सकता है। रूस के हमले तेज होने के बीच यूक्रेन को एक बार फिर पश्चिमी देशों से सैन्य मदद की खेप मिलनी शुरू हो गई है। बेल्जियम ने यूक्रेन को जमीन से हवा में मार करने वाली सी स्पैरो मिसाइल देने का फैसला किया है। दूसरी तरफ जर्मनी 10,000 शेल्स और 27,000 ग्रेनेड यूक्रेन को देगा। बॉर्डर पर बेलारूस और रूस की तैयारियों से पोलैंड और बाल्टिक देश डरे हुए हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड और बाल्टिक देशों को इस बात की आशंका है कि अमेरिका में होने वाली राजनीतिक खींचातान की वजह से कहीं यूक्रेन उन्हें रूस के साथ समझौते के लिए ना बाध्य कर दे। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। पेस्कोव ने दावा किया है कि अमेरिका किसी भी हाल में इस जंग को रोकना नहीं चाहता। अमेरिका आखिरी वक्त तक यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखकर इस जंग को भड़काए रखना चाहता है। कब्जाधारी चीन ताइवानी क्षेत्र में बार बार घुसपैठ कर रहा है। ताइवान के खिलाफ चीन दिन ब दिन और आक्रामक होता जा रहा है। चीन ने ताइवान के नजदीक 2 शहरों में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। दोनों शहरों में पीएलए के टैंकों और सैन्य वाहन का लंबा काफिला देखने को मिला। चीन की ओर से ड्रोन अटैक की आशंका को देखते हुए ताइवान की सेना परमाणु सुरक्षा अभ्यास करने जा रही है। ये सुरक्षा अभ्यास न्यू ताइपे के वानली में दूसरे नंबर के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 12 से 14 सितंबर के बीच किया जाएगा। 13 सितंबर को शहर में मॉक ड्रिल भी किया जाएगा। ताइवान को लेकर अमेरिका से तनाव के बीच चीन अपनी नेवी को और मजबूत करने में लगा है। चीन ने अपग्रेड किया है। फुजियान युद्धपोत को 2025 तक अपने नेवी को सौंपने की तैयारी कर रहा है। चीन के फुजियान युद्धपोत की ताजा तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आई है। जल्द ही इसका टेस्ट किया जाएगा। अजरबैजान के साथ बॉर्डर पर हो रही फायरिंग को लेकर आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशिन्यान ने कहा है कि बॉर्डर के साथ नागोर्नो काराबाख में हालात काफी विस्फोटक हो गए हैं। इस बीच आर्मेनिया और अमेरिका की सोमवार से ज्वाइंट ड्रिल शुरू होने वाली है जिस पर रूस ने कड़ा एतराज जताया है।